आगरा में किसान खाप पंचायत उत्तर प्रदेश की पदाधिकारियों की बैठक जाट हाउस आगरा में हुई, जिसमें खाप पंचायत के सदस्यों ने देश और प्रदेश की सरकार की नीतियों, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र और नौजवान के हितों के खिलाफ, जिससे उपरोक्त सभी वर्गों के लोग और उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण सभी वर्गों में सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी रोष है। साथ ही सरकार विपक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार की दमनकारी नीति पर काम कर रही है। इन सब मुद्दों को लेकर किसान खाप पंचायत उत्तर प्रदेश गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया गया, जिसके तत्वावधान में सरकार को इन सब के हितों के लिए बताया जाएगा। किसान खाप पंचायत के मुख्य बिंदु रहे आगरा में जिला प्रशासन के संरक्षण में नकली दवा, नकली बीज, नकली डीएपी का अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, जिससे किसानों के साथ बड़े स्तर पर ठगी हो रही है। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। नाम मुकेश डाबर है और मैं वर्तमान में अभी किसान खाप पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथी बाबूलाल प्रधान जी हैं, जिला संयोजक हैं आगरा के, और जिलाध्यक्ष हमारे संजय पोद्दार जी जो मेरे बराबर में खड़े हुए हैं। हम लोग आज यहाँ प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है उसके पीछे गंभीर विषय है, और गंभीरता इस विषय की इसलिए है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, ये सब परेशान हैं। इनके जो असल मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है। हम इस संगठन के माध्यम से किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ जो बेईमानी हो रही है, नौजवानों के जो भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, क्षेत्र में छात्रों की शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।